हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दिन भर मैंने क्या क्या किया, यानी कि डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉर्निंग में उठकर मैं अपने हस्बैंड को बेड टी देती हूँ और उसके बाद मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मैं इनका लंच तैयार करती हूँ फटाफट। और लंच तैयार करने के बाद इनका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। जब तक ये ब्रेकफास्ट करते हैं, इनके साथ साथ मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये चले जाते हैं ऑफिस और ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ फोन पे 2 या 3 मिनट और उसके बाद आ जाती हैं काम वाली आंटी। काम वाली आंटी जब आती हैं तो वो अपना सारा काम फिनिश करती हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, और जब वो फिनिश करके चली जाती हैं उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ कि मुझे रात के खाने के लिए क्या क्या बनाना है। आज मैंने बनाया है बूंदी आलू की सब्जी, जो कि मैंने ऋचा दी के चैनल से देखी है और आज मैंने उनको बोला भी था कि मैं आज आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी, तो मैंने ट्राई की है। तो मैंने आज उनकी रेसिपी फॉलो की है और मैंने बनाई है और वो बहुत ऑसम बनी है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया, तो मुझे तो अपनी हर चीज पसंद आएगी, बट आज मेरे हस्बैंड जब टेस्ट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि वो अच्छी बनी है या नहीं। एंड आई होप कि उन्हें मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मीठी गाजर की खीर बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना खाने के बाद मीठा बहुत पसंद है। अगर मैं मीठा नहीं बना पाती हूँ तो वो गुड़ खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने आज फिर मीठा बनाया उनके लिए। तो मैंने गाजर रखी हुई थी, मैंने गाजर की खीर बनाई क्योंकि मुझे लगा गाजर के हलवे में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तृप्ति इतनी मेहनत क्या करनी, फटाफट खीर बनाओ और 5 मिनट में अपने और काम निपटाओ। तो मैंने ना फटाफट खीर बनाई, बूंदी आलू की सब्जी बनाई, रोटी रात में हो जाएगी तैयार और चावल बन जाएंगे। अगर चावल है ना ये बोलेंगे तो बनेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल बहुत कम खाते हैं, मेरी वजह से वो थोड़े बहुत चावल खाते हैं। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि मैंने जब ये सारा काम किचन का फिनिश कर लिया, उसके बाद फिर मैंने आज एक वीडियो बनाया है और वो है नेल पेंट ऑर्गेनाइजर का। तो फ्रेंड्स, नेल पेंट ऑर्गेनाइजर के बारे में मैं इस व्लॉग में तो कतई नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस व्लॉग में आपको बता दिया कि नेल पेंट ऑर्गेनाइजर क्या है तो शायद आप लोग मेरा वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको नेल पेंट ऑर्गेनाइजर दिखा दिया तो क्रेज कहाँ रह जाएगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से नेल पेंट ऑर्गेनाइजर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और ये वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया। जैसे ही मैं नेल पेंट ऑर्गेनाइजर बना के उठी, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, क्योंकि काफी घंटे हो गए थे मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी, फिर मैंने उनसे बात की और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बात की कि आप कितने बजे आ रहे हो और क्या क्या ला रहे हो। तो मैं अब फ्री हुई हूँ और मैं आपको बता दूँ, रात में खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड है ना रात के 2 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम निपटाते हैं एंड उसके बाद थोड़ा बहुत इनका ऑफिस का जो काम रहता है उसको फिनिश करते हैं एंड उसके बाद मेरा वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं एंड अच्छा लगता है कि बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है, टच वुड नज़र ना लगे। और उसके बाद है ना ये अपना काम करते हैं और मैं भी अपना दिमाग चलाती रहती हूँ कि मुझे कल कौन सा वीडियो डालना है, मुझे कल कौन सा वीडियो डालना है, तो ये मैं सोचती हूँ और उसके बाद फिर मैं ट्रायल करती हूँ, सोचती रहती हूँ रात भर में कि मतलब जितनी देर ये काम करते हैं उतनी देर मैं अपना सोचती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, आज का दिन तो खत्म हो गया, कल क्या करना है, कल कैसे नई शुरुआत करनी है, तो ये सारी चीजें मुझे सोचनी पड़ती है। कहते हैं ना, दिन अच्छा तो सब अच्छा, और आप अच्छे तो बिल्कुल अच्छा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को अब यही फिनिश करती हूँ और आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय।